कोई विपक्षी एकजुटता नहीं है, सब ढकोसला है, दिखावा है, ये केवल फोटो खिंचवाने बिहार की धरती पर आ रहे हैं। विपक्ष को चुनौती देते हैं कि बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो आप किसी को नेता मान के चले जाइए या दूसरे दल के लोग नीतीश जी को नेता मान ले। अगर मोदी जी के रथ को रोकने की बात तो थोड़े मोदी जी के खिलाफ सोचने की बात करेंगे तो बिहार भी इनके हाथ से निकल जाएगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 25वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी ब्रज बिहारी प्रसाद जो कि पूर्व बिहार सरकार के मंत्री थे उनकी, और इन तमाम बातों को लेकर पवन जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी पुण्यतिथि जो मनाई जाएगी और प्रखंड स्तर पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने तेजस्वी यादव के जो बयान था कि आडवाणी का रथ लालू यादव ने रोका था, इस बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी की रथ रोक सके। क्या कुछ करे पवन जायसवाल, पहले वो आप सुनिए। देखिए, स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद जी बैस शिरोमणि थे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, और उनके प्रति केवल बैस समाज नहीं, दलित पिछड़ा अकलियत समाज के लोग भी उनमें आस्था रखते थे। वो उन्हीं की अगुवाई किए, उन्हीं के कारण समिति प्रवृत्ति के लोगों ने उनकी हत्या की थी। उनकी 25वीं पुण्यतिथि है और ये 20 बेली रोड में पटना में ब्रज बिहारी प्रसाद जी का स्मृति संग्रहालय है, उसमें आयोजन किया गया है 23 जून को। ये कार्यक्रम पहले से कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है, सर्वधर्म प्रार्थना का। इसको हम लोगों ने अखिल भारतीय बहस महासम्मेलन, राष्ट्रीय बहस महासभा सहित जितने भी बहस संगठन हैं और उनकी धर्मपत्नी माननीय सांसद शिवर की रामा देवी जी ने इस कार्यक्रम को और बृहद बनाने का काम किया। हम लोगों ने बिहार के सभी बैस समाज के लोगों को, दलित पिछड़ा अकलियत के लोगों को और स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद जी के प्रति आस्था रखने वाले जो भी लोग हैं, जिस जाति और पार्टी में से हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया है कि आप आइए और ब्रज बिहारी जी के सपनों को साकार करने के लिए आइए, पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कीजिए और अपने विचार को दीजिए, और अगले बार से राज्य के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन पुण्यतिथि का किया जाएगा, जहाँ रक्तदान शिविर, प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। और बिहार सरकार से हम लोग का डिमांड भी है कि केवल संग्रहालय मत बनाइए, उसको सुसज्जित कीजिए, जो खंडहर में तब्दील है उसको ठीक कीजिए, वहाँ एडिशनल कमरा का निर्माण कराइए, वहाँ स्टाफ की संख्या को बढ़ाइए ताकि जब कोई जाए तो ब्रज बिहारी जी के जो स्मृति है उसको देख सके। कोई विपक्षी एकजुटता नहीं है, सब ढकोसला है, दिखावा है, ये केवल फोटो खिंचवाने बिहार की धरती पर आ रहे हैं। जो भी नेता आ रहा है ये अपना पहचान बनाने बिहार में आ रहा है, अपना जो है जमीन बनाने आ रहा है, न कि नीतीश कुमार जी को मजबूत करने को आ रहा है। हम तो विपक्ष को चुनौती देते हैं कि बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो आप किसी को नेता मान के चले जाइए, एक नाम तय कर लीजिए, नीतीश जी किसी नाम पर घोषणा कर दें या दूसरे दल के लोग नीतीश जी को नेता मान लें, कोई कुछ होने वाला नहीं है। अटल हम लोग के मोदी जी के सामने और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है, इसके सामने विपक्ष के पास न तो कोई चेहरा है, न तो कोई इनके पास नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, ये आपस में कट के लड़के मर जाएंगे, इनके पास कोई बचने वाला कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जिस प्रकार आडवाणी जी का रथ लालू यादव ने रोका, तेजस्वी जी को कहिए कि लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोकने का काम किया तो बीजेपी ने 303 सांसद तक पहुंचने का काम किया। अगर मोदी जी के रथ को रोकने की बात तो थोड़े मोदी जी के खिलाफ सोचने की बात करेंगे तो बिहार भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो आपने सुना कि MLA पवन जायसवाल का कहना है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी का रथ अभी फिलहाल रोक सके। उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया है, कहा है कि 23 जून को जो विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक है वो कुछ नहीं, बस फोटो खिंचवाने के लिए सभी नेता बिहार पहुंच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार को लेकर अगर विपक्षी एकजुटता की बैठक हो रही है तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष वाले जितने हैं उनके नाम की घोषणा कर दें तब हम समझें, या फिर नीतीश कुमार ही किसी एक नेता को ही PM का फेस घोषित कर दें। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 23 जून को जो मीटिंग होने वाली है या फिर ब्रज बिहारी प्रसाद की जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी उसको लेकर आगे क्या क्या होना अभी बाकी है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इनसाइडर लाइव। नमस्कार।